सेलिब्रेटिंग डेकेड ऑफ सक्सेस सेवन स्क्वायर एकेडमी, सफलता के 10 साल बेमिसाल। सेवन स्क्वायर एकेडमी। ग्रैंड पेरेंट्स कितने प्यारे, हम इनके आँखों के तारे। तन चाहे हो बूढ़ा इनका, पर होते हैं ये जवान दिल वाले। जिन्हें मिलते हैं दादा दादी नाना नानी, उन्हें कहते हैं किस्मत का बड़ा धनवान। आपको बता दूं कि आज की शाम बहुत सारे राजनेताओं के साथ अभिनेता भी आने वाले हैं। आवर चीफ गेस्ट फॉर द डे गोवर्धन असरानी जी। नरेंद्र भाई मेहता, क्योंकि सेवन स्क्वायर एकेडमी, मैंने ऐसा फंक्शन कभी जिंदगी में देखा नहीं। अपने दादा दादी को बुला के उनका सम्मान करना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। मैं बार बार धन्यवाद करके बोलता हूँ, एक डायलॉग बोलूंगा, अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, हमारी जेल में सुरंग, आज इधर जाओ, आज उधर जाओ, बाकी नरेंद्र मेहता के पीछे जाओ। Amongst us, we have another special guest, Sir Kaushal Kapoor Ji, who is an Indian television actor. आज मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सेवन एकेडमी ने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाकर उनको जो सम्मान दिया है, मैं चाहूँगा कि हर स्कूल हर कॉलेज में ऐसा सम्मान हर पेरेंट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स को मिले। Amongst us, we have another famous television actor, Abhay Bhargava sir. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम। आज यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स को देख के बहुत खुशी हुई। जब मुझे दोपहर को ये संदेशा मिला कि मुझे आज इस फंक्शन में आना है, लेकिन जब खास बात पता लगी कि आज का दिन जो है वो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार, हम लोग आज ग्रैंड पेरेंट्स की इज्जत करना जानते हैं क्या? और आज वाकई यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, मेरा मन भर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नरेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। पिछले 10 साल से ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ एक फंक्शन बाकायदा अरेंज किया जाता है। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, वरना हम इतना अच्छा फंक्शन मिस कर जाते। एंड शायद ही हिंदुस्तान में कहीं ऐसा स्कूल होगा जहाँ इतने लंबे अरसे तक एक इतना बड़ा सेलिब्रेशन चलता, और क्यों ना हो। अगर जिस स्कूल में इतने बेहतरीन स्टूडेंट्स पास होकर निकलते हैं, उस स्कूल को तो हक बनता है सेलिब्रेशन का। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, 10th एनिवर्सरी है, 10 साल, इतने लोग बच्चों का करियर, वाह, आप सबसे पहले तो अमेजिंग काम कर रहे हैं, सर, अमेजिंग वर्क, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 ईयर्स, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके, यहाँ पे मेरे जैसे हजारों लोग बैठे होंगे, हजारों लोग बनेंगे मेरे जैसे, मुझसे अच्छा बनेंगे, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, आदरणीय नरेंद्र जी और आदरणीय सुमन जी, ये क्या है, ये कल्पना ही तो है। मेरा ये सोचना है कि जिस आदमी का दिल अच्छा होता है, उसकी सोच कभी गलत नहीं होती है। और मैं ईश्वर से ये साथ में प्रार्थना करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि ये विरार वसई, ये जगह, यहाँ से जो बच्चे निकले ऐसे कामयाब हुए कि लोगों को लगे कि वाकई सपना साकार हुए जा रहा है, और ये सदैव हुआ करे। बहुत अच्छा लगा, और ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे आके डांस करूँगा,
अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का, कितना नचा रहे हो। मैं सबसे पहले गोविंदा जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, आपने भले ही छोड़ दिया, मैं इसी क्षेत्र में आगे जा रहा हूँ। और आपसे जो डांस करवाया वो इसीलिए करवाया था कि लोग ये गलत फहमी में ना रहे कि एक पॉलिटिशियन ने बुलाया तो वापस पॉलिटिशियन नहीं आया ना, तो डांस करके हमने कंफर्म करा लिया कि एक एक्टर ही आया है और एक्टर ही रहेगा। मैं कहता हूँ ये टीम ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुई हो ना कभी होगी। मैं चाहता हूँ इसी तरह से सेवन स्क्वायर एकेडमी पूरा परिवार संयोजित रहे, बना रहे, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।